अब हम करेंगे कक्षा सातवीं विषय हिंदी अभ्यास प्रश्न पत्र। सबसे पहले दिए हमको सही जोड़ी बनाइए। समता का हो जाएगा हमारा विषमता, जन्म दिन का हो जाएगा उपहार, उत्तर हो जाएगा दिशा, ज्वालामुखी हो जाएगा लावा, शीत हो जाएगा लहर। प्रश्न नंबर दो, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है फिसड्डी रहे और जीते रहे किसी का दिया, खालिस्तान पीते रहे तो जाएगा हमारा दून, विविध भांति के खालिस्तान, हरा भरा है अपना नंदन तो जाएगा फूल। फिर दिया है मुझसे अधिक खालिस्तान कौन होगा तो जाएगा सौभाग्यशाली। फिर दिया है हमको गोपी तो जैसे प्यार का खालिस्तान खजाना पा गया तो हो जाएगा अनमोल। कबीर ने खालिस्तान ना करने की सलाह दी है तो हो जाएगा निंदक। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित में से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला दिया है वृंद कवि के अनुसार प्रेम का वास कहाँ होता है, तो इसका उत्तर होगा वृंद कवि के अनुसार प्रेम का वास प्रेमी के हृदय में होता है। दूसरा दिया है संगीतज्ञ ने राजा को कहाँ बैठाया था, तो इसका उत्तर होगा संगीतज्ञ ने राजा को झोपड़ी के बाहर बने एक चबूतरे पर बैठाया था। प्रश्न नंबर का सैनिकों की गाथाएं कहाँ कहाँ गाई जाएंगी, तो इसका उत्तर होगा सैनिकों की गाथाएं भारत के गांव नगर तथा घर घर में गाई जाएगी। प्रश्न नंबर का कैलाश और मानसरोवर के बीच कौन सा ताल है, तो उत्तर होगा कैलाश और मानसरोवर के बीच राक्षस ताल है। प्रश्न नंबर डा कादिर घर से कहाँ जा रहा था, तो इसका उत्तर होगा कादिर घर से पढ़ने के लिए बगदाद जा रहा था। प्रश्न नंबर चार, दुर्घटना के बाद शीला ने किस स्कूल में प्रवेश लिया, तो उत्तर होगा दुर्घटना के बाद शीला ने विकलांगों के स्कूल में प्रवेश लिया। प्रश्न नंबर चार, चित्रकार कारागार में क्यों गया था, तो उत्तर होगा चित्रकार ऐसे व्यक्ति की तलाश में कारागार गया था जिसके मुख में धूर्तता, कूरता, स्वास्थ्य और लिप्सा प्रकट होती हो। तो प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हमको तद्भव शब्द दिए, इसके हमको तत्सम रूप लिखना है। तो सबसे पहले दिया है सपना का, सपना का क्या हो जाएगा स्वप्न, तत्सम रूप इसका होता है स्वप्न। फिर दिया है लाज, लाज का हो जाएगा लज्जा। काला, काला का तत्सम रूप होगा श्याम। पिता का हो जाएगा पितृ। गला का हो जाएगा कंठ। पत्ता का हो जाएगा पत्र। और दिन का हो जाएगा दिवस। फिर दिया है आ नंबर का इसी में निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो आपको यहाँ शुद्ध करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सन्नाटा, क्या होता है सन्नाटा नहीं होता सन्नाटा, आशीर्वाद ही गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद ऐसा हमको लिखना है शुद्ध करके। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ हो जाएगा दर्शन, गलत लिखा हुआ है इसको शुद्ध करके लिखेंगे दर्शन। प्रकाश करके लिखा है तो प्रकाश ऐसा नहीं लिखा जाता, प्रकाश शुद्ध करके लिखेंगे। रवि तो हो जाएगा रवि। फिर दिया है ई नंबर का निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो यहाँ हमको विलोम शब्द लिखना है इसके, जैसे प्रतिकूल करके दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा विलोम होगा इसका अनुकूल। न्याय का हो जाएगा अन्याय। दुराचारी का होता है सदाचारी। सरल का हो जाएगा कठिन। विजय का हो जाएगा पराजय। नया का हो जाएगा पुराना। फिर दिया है प्रश्न नंबर ई, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं उपसर्ग अलग अलग कर लिखिए। इसमें से हमको मूल शब्द कौन कौन से है, इसमें मूल शब्द हो जाएगा मूल, उपसर्ग इसमें लगा है अन। इसी प्रकार से निर्मल में जो मूल शब्द है वो मल है और उपसर्ग हो जाएगा हमारा नीर। फिर दिया है हमको सुजन, तो इसमें सु जो है वो उपसर्ग है और जन जो है वो मूल शब्द है। फिर दिया है प्रवास, प्रवास में जो प्र है पर है जो वो क्या है उपसर्ग है, धन वास कर देंगे हम तो हो जाएगा वास हमारा मूल शब्द है। फिर दिया है समादर, तो सम जो है वो उपसर्ग है और आदर जो है वो मूल शब्द कहलाएगा। दुर्भावना, तो दुर जो है वो क्या है हमारा उपसर्ग है, भावना जो है हमारा
मूल शब्द है। विज्ञान में वी जो है वो उपसर्ग है और ज्ञान जो है हमारा मूल शब्द है। फिर यह प्रश्न नंबर ऊ निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन की, जिसमें हमको वचन परिवर्तन करना है कि गलती तो क्या हो जाएगा हमारा इसका गलतियाँ, यात्रियों का हो जाएगा यात्री, गाड़िया का हो जाएगा गाड़ी, पत्र का हो जाएगा पत्रो, नदी का हो जाएगा नदियों, शिक्षक का शिक्षकों, फूल का हो जाएगा फूलो। इसके बाद दिया है ऊ निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, तो आंखें दिखाना का हो जाएगा हमारा, गुस्सा प्रकट करना योग करेंगे हम तो हो जाएगा एक तो मेरा नुकसान कर दिया ऊपर से मुझे आंखें दिखा रहे हो। ये दिया है दांत किटकिटाना, मतलब इसका क्या होता है क्रोध प्रकट करना, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं हम कि दांत किटकिटाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर रहा हूँ। फिर दिया है मुंह काला करना, मतलब अपमान करना किसी का। रमेश के पिता ने रिश्वत लेकर ऑफिस में मुंह काला करवा लिया। ऐसे प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि मोहन ने अपने ही घर में चोरी करके सबके सामने मोहल्ले में अपना मुंह काला करवा लिया। इस प्रकार से हमारा आज कक्षा 7वीं विषय हिंदी का कोर्स समाप्त होता है।